दिनांक 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एमएलके पीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिलाधिकारी श्रुति, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ला, सदर एसडीएम नागेंद्र कुमार यादव, एमएलके पीजी कॉलेज पीके सिंह बलरामपुर, तहसीलदार शेख आलमगीर, नायब तहसीलदार अंकुर यादव, रवि गुप्ता, कमलापुरी डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर आर के पांडे, केजी गुप्ता, प्रताप तिवारी व गोष्ठी में बलरामपुर डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता पर भाषण के माध्यम से मताधिकार के प्रयोग हेतु जागरूक किया गया व डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर व नगर पालिका परिषद व आंगनबाड़ी व रोजगार शिक्षक गण छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए ताजुद्दीन की रिपोर्ट, बलरामपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से। आपको बता दें कि नारी सशक्तिकरण के चलते जिले में हुई पहल। फरुखाबाद जिले के सभी अधिकारियों की कुर्सी पर एक दिन के लिए युवतियों को बनाया गया अधिकारी। फरुखाबाद डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम सहित सभी अधिकारियों की कुर्सी पर एक दिन की युवतियों ने अधिकारी बनकर बैठकर सुनी समस्याएं, समस्याओं का जल्द निस्तारण करने व दोषियों पर कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। मतलब आपकी जो आपने शिकायत दर्ज की है कार्रवाई कर रहे हैं और आप चिंता बिल्कुल मेरी मत कीजिए क्योंकि अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकेंगे। मतलब आपकी जो शिकायत थी वो अटेंड हो चुकी है और उस पर कार्रवाई चल रही है, ठीक है। चिंता ना करिए, बाकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट अपना पूरा कार्य करेगा। पूरा सीए निकल मैटर है वो बुलाएंगे तो हाँ देखें इंसान आए नहीं परिवार परामर्श केंद्र वाले आ गए यहाँ ठीक। आप जांच करवाइए, अगर मारपीट हुई तो कठोर कार्रवाई करें, पढ़ाई पे लीजिए उसको। सर उसी को पढ़, बहुत सारी फाइलें रहती है ऐसे, उसी को जब मैं पढ़ूंगी तभी याद रहे। देख के पढ़ के बताओ। हाँ देख सर, पीछे लिखा हुआ है जो पीछे वाली में ये लोग मौजूद रहे हैं, दोनों पार्टियां आई हैं। ये अभी और पढ़ दिया, ग्राम बंधवा इस्लाम विकास खंड मार्टिनगंज के कृषि विभाग द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह तथा कृषि अधिकारी हरीश चंद यादव विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की, जिसमें भारी संख्या में किसान द्वारा सहयोग किया गया और एक सफल कार्यक्रम के रूप में गोष्ठी सम्पन्न हुई। कृषि विभाग के अधिकारी श्री सुरेश यादव व अजय कुमार मौर्य, शिव शंकर पांडे तथा प्रगतिशील किसान राम सकल बिंद, रमेश बिंद तथा मुकेश राजभर आदि सभी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के विषय में बताइए। यह कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड विषय पर कृषि ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है और यह आयोजन बधवा इस्लाम ग्राम सभा विकासखंड मार्टिनगंज में किया गया है। और कार्यक्रम का उद्देश्य, हाँ इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, चूँकि जो मृदा स्वास्थ्य है उसका सेहत काफ़ी कम होता जा रहा है और जिस पे किसान जो है वो जो किस मृदा जो जीवांश है जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसका स्तर 0.8 जो सामान्य होता है वो न होकर के 0.1-0.2 के बीच चला आया है, तो उससे क्या है कि हमारी जो उत्पादकता है वो काफ़ी लागत भरी हो रही है। लागत, हाँ जैसे हम उत्पादन लेते हैं तो उसमें हमारा लागत ज़्यादा शामिल होता है, इसलिए किसान का जो लाभ है वो कम हो जा रहा है। तो उसको अच्छा करने के लिए सबसे पहला जो आवश्यकता है वो मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। मृदा स्वास्थ्य कैसे सुधार किया जाए उस विषय में यहाँ पर इनको बर्मी कंपोस्ट, नाडेव कंपोस्ट, मृदा परीक्षण कैसे करें, उस मृदा नमूना कैसे एकत्रित करें और कृषि
के जो अन्य व्यवसाय हैं जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली मॉड्यूल उस पर जो है अच्छी जानकारी दे करके, साथ ही साथ जो फसल अवशेष, चूँकि किसान जो है हर खेत पर बीज और खाद लेकर के फसल उगाने के लिए जाते हैं, तो जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो वो बीज लेके अपना घर आ जाते हैं लेकिन फसल अवशेष उसी खेत में पड़ा रहता है, तो इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए कौन सी मशीनें सक्षम हैं जो प्रभावी लागत के साथ साथ अच्छा उत्पादन भी देती हैं, उनको अपनाने के लिए इनको ज्ञान दिया गया, प्रशिक्षित किया गया, और आगामी जो समय आएगा जायद का और समर का उसमें मृदा नमूना एकत्रित करने की जानकारी दी। इससे किसानों को कितना लाभ हो सकता है? इससे किसान का लाभ ही लाभ है, इससे किसान जो है जो उसकी लागत है बस वही कम हो जाएगी तो इनका लाभ सब तरह से बढ़ जाएगा, क्योंकि कृषि में जो निवेश है वो काफ़ी महंगा होता चला जा रहा है समय समय पर, वो उसकी लागत उसको लागत कम करने के लिए हमें मृदा स्वास्थ्य को सुधार कर लेंगे तो हमें उसकी मांग कम पड़ेगी और इनकी बचत ज़्यादा होगी।